स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मेरे साथ मिल दोहराएंगे, हे प्रभु तू सत्य चित्त और आनंद स्वरूप है, हम तेरे शुद्धतम पवित्रतम वर्ण करने योग्य तेज को धारण करते हैं। जो धारण किया हुआ तेज हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। आर्य समाज कुबेर नगर अहमदाबाद के सत्संग भवन में उपस्थित है। आर्य समाज के संरक्षक गण, माननीय प्रधान जी, मंत्री जी, कोषाध्यक्ष, सभी अधिकारी गण, सभासद गण, सदस्य गण, बाहर से आए हुए अतिथि गण, विद्वजन, आदरणीय भक्त पुरुषों, मातृ शक्ति, अभी आदरणीय महाशय जी के द्वारा कुछ चर्चाएं मंच के माध्यम से की जा रही थी और पंडित लोकचंद जी बोले बड़ा ज्ञान इन्हें है, इस आयु में आकर के भी यदि ज्ञान न हो तो फिर कब होगा। इसलिए आयु के एक पड़ाव पर आकर के व्यक्ति को ज्ञानवान होना ही चाहिए, जैसे उसका सम्मान बढ़ता है, आदर बढ़ता है, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है और उसको पूछ होती है इस बात के लिए, अरे बड़ा ज्ञानी है उससे भी तो बात करो, उससे पूछो ना ये करे ना करे, ये बात। इसलिए आदरणीय बदपुरुषो, हम सबको पुरुषार्थ करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। कितने लोगों के पास सत्यार प्रकाश है, उठाए हाथ। स्थिति है हमारे यहाँ सहजपुर में थोड़ी ढील है वहां का मैं बहुत अच्छी बात है, सत्यार्थ प्रकाश हो भी। और एक नियम तो हमारे यहाँ कि हम प्रतिदिन एक पढ़े, जब पढ़ेंगे तो रोज कोई ना कोई नई बात। पंडित लेखराम के द्वारा और दूसरे विद्वानों के द्वारा कई कई बारी से पढ़ा गया, और जब आप पढ़ते हैं बार बार पढ़ते हैं, जब पढ़ेंगे बार बार तो तब लगेगा ये बात तो तब मिली नहीं थी, अब की बार मिली है, पता लगता। धीरे धीरे बुद्धि परिपक्व होती जाती है, बुद्धि के साथ साथ में हमारी पकड़ भी बढ़ती जाती है। दोबारा पढ़े तब कुछ और मिलेगा, तिवारा पढ़े कुछ और मिलेगा, मिलता ही रहेगा। ये ऐसा खजाना ऋषि ध्यान जी महाराज का है, इसीलिए उन्होंने लिखा कि प्रत्येक व्यक्तियों को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट न रहना चाहिए। पंडित लोचन जी के पास में, सत्यनारायण जी के पास में, आप सब लोगों के पास में बहुत कुछ भगवान ने दिया हुआ है और आप इस आनंद में रहे, बस हमें तो किसी की आवश्यकता है नहीं महाराज, आनंद में रहो, हमें क्या दुनिया जाए भाड़ में। ऋषि लिखता ना ऐसा विचार कभी नहीं करना चाहिए। बोले फिर क्या करें? बोले जैसा सुख सुविधाएं भगवान ने हमें दी हैं, उनमें से हम भी कुछ दूसरों को दे करके बांट करके, जैसे हम संपन्न हैं, जैसे हम सुखी हैं, जो आनंद में हैं, ऐसे ही दूसरों को बनाने की कोशिश करें। इसलिए नियम दिया, प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट न रहना चाहिए। बोले फिर सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। दशरथ महाराज के यहां आकर के विश्वामित्र जी निवेदन करते ही राजन जीना दुर्भर कर दिया राक्षसों ने, मैं हवन कुंड उठाए, कभी इधर कभी उधर भटकते हम लोग ऋषि लोग रहते हैं, आतंक इतना मचा करके रखा हुआ है कि हमें यज्ञ नहीं करने दिया जाता, हमें सत्संग नहीं करने दिया जाता, मांसाहार खून आदि हमारे यज्ञ कुंडों में डाल करके उसे भंग कर दिया जाता है, हम बड़े त्रस्त हैं, दुखी हैं, इसलिए हे महाराज हमारी सहायता कीजिए। दशरथ बोले बताओ क्या सहायता करें। तब विश्वामित्र जी कहते हैं महाराज अपने दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण को मुझे दे दीजिएगा, ये मेरे यज्ञ की रक्षा करेंगे। दशरथ पुत्र मोह में थे, सबको मोह होता है। तब बोले महाराज ये आपने क्या कह दिया, ये तो अभी बालक ही हैं,
हर पिता को अपने बालक बालक वो कितना भी बड़ा हो जावे और बालक ही लगता है। मैंने देखा एक बालक को, जब बात आई अरे बड़ा हो गया अब इसकी शादी करो, तो उसकी माँ बोली, बोले बालक कहाँ, अभी तो छोटा ही है, अभी शादी लाख हुआ कहाँ है ये, अभी इसकी शादी क्यों करें, अभी तो कुछ है ही नहीं है, 23 साल का खुली हुआ है। मैंने बोला जवान हो गया है, सावधान रहो, अब ये बालक नहीं रहा। लेकिन माँ कह रही है नहीं अभी बच्चे अभी शादी नहीं करेंगे। कुछ दिनों के बाद में रात को मोबाइल पे बात करता हूँ मिला वो। हमने कहा रात ही मोबाइल पे बात कर रहा था, पूछा उससे मोबाइल किसका, बोले दोस्त का। फिर पकड़ा गया, दोस्त का दे करके क्यों नहीं आए। जब अंदर से गहराई से बात निकल करके आई, पता लगता अपनी मित्र जो उसके साथ में पढ़ती थी बालिकाएं लड़कियां उनके साथ में बात करता था। अब बोले तुम तो कहते थे ये बालक है, अभी तो बात कर रहा है अपने दोस्तों से। बस जैसे ही ये जानकारी लगी तुरंत विवाह वाले आए, रिश्ते देखे, जो ठीक सा अनुकूल सा लगा, 6 महीने के अंदर ही चट मंगनी फट ब्याह कर करके ठीक। अब वो बेटा आराम से अपने घर गृहस्थी को चला रहा है, बच्चे हो गए, आनंद ही आनंद है। अब अनुभव करता है, बोले यदि परिवार वालों ने तभी कंट्रोल नहीं किया होता बिगड़ जाता। हम सोचते रहते हैं कि हमारे तो बच्चे भी बच्चे ही हैं, हमारे पिता माचे पंडित सिंह नकली सिंह जी कहा करते थे एक आयु के पड़ाव पर आकर को सबको सब चीज की आवश्यकता है। इसलिए चाहे किसी का बेटा हो चाहे किसी की बेटी हो, बांधो उसे खूंटे से, जब बांधोगे तो ठीक रहेगा, वरना स्वच्छंद होकर के फिर वो कहां कितनी उड़ान भर देवे और किस दिशा में उड़ान भर देवे कोई गारंटी नहीं है। कई बार कहते हैं परिवार में गए यज्ञ करने के लिए, माता यहाँ आचार्य जी देखो ने कहो ना बच्चों को समझाओ, ये बड़े हो गए हैं 27 साल का 28 साल का, ये कहते हैं हम शादी नहीं करेंगे। मैं बोले ये शादी कब कहेंगे करने को, कौन लड़का कहता है कि मेरी शादी करो, कोई नहीं कहता। शादी तो माता पिता का दायित्व है इनकी शादी करो समय पर, कोई बेटा नहीं कहता। हमारी शादी की बात आई तो पिताजी जाकर के और हमारी बहन किरण और भाभी को जाकर के रिश्ता पक्का करिए, तब तो 19 वर्ष की हमारी आयु थी। हम बाहर थे दिल्ली में, जब हम लौट करके आए तो हमारी बहन बोली किरण, बोले भैया तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दिया। मैं बोले हम तो शादी करेंगे नहीं। बोले पिताजी से बात कर लेना शाम को। शाम को पिताजी आए, हमने कहा नहीं बता रही है बहन आप रिश्ता, लड़की देख गया पक्का करिए, हम तो शादी करेंगे नहीं। तब डांटते हुए बोले, बोले तुम कौन हो शादी करने वाले, शादी हम करेंगे, हटो। और हम हट गए, और जब हट गए तो शादी भी हो गई, समय पे बच्चे भी हो गए, सबके विवाह हो गए, 50 वर्ष की आयु में फैमिली कंप्लीट, वानप्रस्थी हम हो गए। समय पे माता पिता अपने बच्चों के कदमों को देखें और देख करके उनके आचरण व्यवहार एक आयु को देख करके विवाह करें, चाहे बेटा हो चाहे बेटी। वो तो कहेंगे नहीं हमें नहीं करानी है, कौन कहता है कि करो करो करो। इसलिए वो आदरणीय भद्रपुरुषो मातृशक्ति, समय पे सारे दायित्व हम सबको करने चाहिए। इसलिए ऋषि लिखता अपनी ही उन्नति से संतुष्ट ना रहो, देखो जो पड़ोसी रहने वाला है सोसाइटी में रहने वाला है किसी को अभाव तो नहीं हो, अपनी सामर्थ्य देख करके, सामर्थ्य से ज्यादा करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। दान भी करो सामर्थ्य के अनुसार करो, मदद भी करो सामर्थ्य के अनुसार करो, अन्यथा यदि सामर्थ्य के अनुसार नहीं करते आगे बढ़ करके ज्यादा करते हो तब उसका परिणाम भी भुगतना पड़ता है। हमने बहुत लोगों को देखा बड़ी समाज सेवा की थी और किसी कारण कोई ऐसा कर्म फल सामने आ गया, अभाव में हो गए तब याद करते हैं ऐसे ही लुटा दिया हमने, तो सामर्थ्य के अनुसार करो। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अपनी उन्नति से, इसलिए दशरथ के पास में जब आए राम लक्ष्मण मांगने तो दशरथ बोले ये तो बच्चे हैं अभी, आप यदि महाराज कहें तो मैं अपनी चतुरंगी सेना लेकर के चलता हूं और आपके यज्ञ की रक्षा करता हूं और दुष्टों का संहार करूंगा। विश्वामित्र कहते नहीं राजन मुझे तो ये राम लक्ष्मण ही चाहिए। बोले अरे ये तो मेरे दोनों बाहु हैं, दोनों आंखें मेरी ये हैं, इन्हें मत लेकर के जाओ महाराज। सभा के अंदर वशिष्ठ जी भी थे जो राज्य प्रोहित हुआ करते थे दशरथ जी के, पहले राजा हो या कोई इस तरह संपन्न व्यक्ति हो सब लोग विद्वानों का संघ किया करते थे।
उनके सलाह मशवरे से कार्य किया करते थे, इसलिए कार्य संपन्न होते थे, ठीक होते थे। वशिष्ठ जी भी उस सभा में थे। वशिष्ठ जी का और विश्वामित्र जी का 36 का आंकड़ा था। मतभेद थे किन्हीं किन्हीं विषयों पर, मन भेद नहीं था। मन भेद में और मत भेद में अंतर होता है। मत भेद होता है आप ये करें ये ना करें, मैं ये खाऊंगा ये मैं नहीं खाऊंगा, और मन भेद होता है बोले हम तुमसे नहीं बोलते, तुम हमसे नहीं बोलते, बात खत्म। मन भेद नहीं करना चाहिए, व्यवहार बंद नहीं करना चाहिए, व्यवहार चालू रहे, मत भेद हो सकता है किसी विषय पर। तो विश्वामित्र जी का वशिष्ठ जी का आपस में मत भेद था। उसके बाद भी वशिष्ठ जी कहते हैं हे राजन, विश्वामित्र जो कह रहे हैं इनकी बात को मान करके राम लक्ष्मण को इनके साथ भेज दो, इसमें भी आपकी कोई ना कोई भलाई ही है। और तब राम लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र जी जाते, और तब ये राम लक्ष्मण इनकी यज्ञ की रक्षा करते। दशरथ कह सकते थे महाराज हमें क्या आवश्यकता पड़ी है, तुम तपस्वी लोग हो, साधन संपन्न हो, आपके पास तो सारी विद्या है, आप चाहे तो अपनी विद्या से उन राक्षसों का संहार कर सकते हैं, कर भी सकते थे। ये जितनी विद्या श्री राम के पास में थी, जितने शस्त्र राम के पास में थे, उन सब का अनुष्ठान करना विश्वामित्र जी ने ही उन्हें सिखाया। तब सवाल उत्पन्न हो सकता है, बोले जब सब विद्या सब शस्त्र आदि का विधान राम को विश्वामित्र जी ने सिखाया, तो फिर विश्वामित्र जी ने खुद ही उन शस्त्रों का प्रयोग कर करके दुष्टों का संहार क्यों नहीं कर दिया। एक परंपरा है हमारे यहां, साधुओं को शस्त्र उठाने का अधिकार नहीं है। सन्यासी लोग शस्त्र न उठावे, वो क्षत्रियों को प्रेरणा करें। जो क्षत्रिय लोग हैं, रक्षा करने वाले लोग हैं, उन्हें प्रेरणा करें, बोले ये ऐसे ऐसे गड़बड़ है समाज में, इन्हें ठीक करो। इसलिए शस्त्र ना उठाने का विधान था कि नहीं उठाते थे, इसलिए क्षत्रियों के पास में गए, दशरथ जी के पास में गए, और वहां से राम लक्ष्मण को लेकर के उन्हें विद्या आदि का इन शस्त्रों का अनुसंधान करना सिखाया, तब उन्होंने रक्षा की। राम लक्ष्मण चाहते ना जाते, कहते थे हम तो नहीं जाएंगे, गरीब में आनंद में रहेंगे, लेकिन नहीं, ऋषि के उस नियम को जो आर्य समाज के लिए बनाया, अपनी ही उन्नति से संतुष्ट ना रहो, दूसरे की मदद करो, दूसरे की सहायता करो। श्री कृष्ण महाराज जी के पास में क्या कमी थी, लेकिन उसके बाद में भी उन्होंने पांडवों के साथ में खड़े होकर के, धर्म के पक्ष में साथ में खड़े होकर के उनकी सहायता की, उनकी मदद की, और धर्म के उस युद्ध को धर्म की जीत कराया। परिणाम भी भुगतना पड़ा, हानि भी उठानी पड़ी। आप कहेंगे श्री कृष्ण ने क्या हानि उठाई, जब ये युद्ध लगभग समाप्ति की ओर था, तब ये गंधारी के पास में मिलने के लिए जाते हैं, और गंधारी जिसके 100 पुत्रों का संहार उस युद्ध के अंदर महाभारत में हो चुका था, क्रोध में भरी हुई थी। और जब श्री कृष्ण महाराज वहां जाते, तब उनका क्रोध और प्रबल हो गया। तब श्री कृष्ण महाराज से कहते, कृष्ण यदि तुम चाहते तो इस युद्ध को रुकवा सकते थे, मेरे 100 पुत्रों का संहार हो चुका है और मैं तुम्हें श्राप देती हूं। और वो कहते कि जैसे मेरे पुत्र वियोग में मैं आज रो रही हूं, रुदन कर रही हूं, मेरा वंश समाप्त होने जा रहा है, ऐसे ही एक दिन यदु वंश भी समाप्त होगा। और परिणाम था जो श्राप उन्होंने दिया, उसी का परिणाम था कि यदुवंश श्री कृष्ण का वंश, एक समय ऐसी स्थिति आई कि सब बलराम जी भी चले गए, उन्होंने भी मौन रह करके, भूखे रह करके अपना जीवन लीला समाप्त कर ली। और इतिहासकार लिखता है श्री कृष्ण आदि इनका बेटा आदि सबका जीवन पूरा हुआ आपसी विवाद के अंदर। कहने का भी प्राय उसके बाद भी प्रत्येक व्यक्ति को थोड़ी बहुत हानि तो उठानी ही पड़ती है, इसलिए अपनी उन्नति से संतुष्ट ना रहो। धर्म का रास्ता यही है। बुद्ध भगवान प्रचार करते हुए जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, अपने शिष्यों को भी भेजते हैं, जाओ धर्म का प्रचार करो, लोगों को धर्म का मार्ग दिखाओ। एक शिष्य आकर के बोले, महाराज हमारी बात तो लोग सुनते नहीं है। बोले सुनते ही तो नहीं है, तुम्हें बोलने से रोका तो नहीं है, प्रचार करने से रोका तो नहीं है,
जाओ प्रचार करो। शिष्य फिर निकल गए प्रचार करने के लिए। कुछ दिन बाद में शिष्य फिर आए, बोले महाराज अब की बारी तो हमें रोक ही दिया। बोले खबरदार अगर धर्म का प्रचार किया तो बोले रोका ही तो है, तुम्हें मारा ही तो नहीं है, तुम्हारे जीवन लीला तो समाप्त नहीं की है। बोले यदि मार ही दिया तो, बुद्ध कहते बस यही हम चाहते हैं, हम चाहते हैं धर्म का कार्य करते हुए, पुण्य कर्म करते हुए, शुभ कर्म करते हुए, दूसरों का उपकार करते हुए, दूसरों की भलाई करते हुए ही हमारा जीवन समाप्त हो जाए, संसार से हम विदा हो जावे, अंतिम सांस तक संसार के उपकार के लिए, भलाई के लिए कार्य करते रहना ही धर्म का रास्ता है, उपकार करो। ऋषि ध्यान जी महाराज को क्या कमी थी, जब ये गए बद्रीनाथ से आगे, भारतीय सीमा का आखिरी गांव है माणा गांव, वहीं पर वेद व्यास की गुफा है, उसमें बैठ करके उन्होंने साधना की, तप किया, और वहां से आगे चल करके लगभग 7 किलोमीटर वसुधारा पर ही इन्होंने अपनी यात्रा की। वहां इनके मन में विचार उत्पन्न हुआ, बोले जो प्राप्त करना था वो तो प्राप्त कर ही लिया, विद्वानों से योग सीख लिया है, गुरु जी से अपना स्वाध्याय जितना भी करना था, वेद आदि का, व्याकरण का वो सीख लिया है, मन में कोई इच्छा भी नहीं रही है, कोई इच्छा कामना होती तो जीवन जीते, अब तो कुछ रहा ही नहीं है, इसलिए अपने जीवन को नहीं पर समाधि के द्वारा जीवन पूरा कर ले। लेकिन दूसरा विचार इनके मन में उत्पन्न होता है, हे दयानंद तुम अकेले ही इस संसार से मोक्ष में जाना चाहते हो, इस संसार की दुर्गति को नहीं देख रहे हो। जब ये विचार उत्पन्न हुआ, तभी ऋषि ध्यान जी महाराज ने वहीं पर यह संकल्प लिया कि अकेला मोक्ष में नहीं जाऊंगा, सारे संसार को मोक्ष में लेकर के जाऊंगा, धर्म का संदेश दूंगा और प्रचार प्रसार के द्वारा सारे संसार को मोक्ष में लेकर के जाऊंगा। और तब उन्होंने तब साधना के द्वारा सत्यार प्रकाश को लिखा, ऋग्वेद भाष्य भूमि का लिखा, व्यवहार भानु को लिखा, गोकर्णा निधि को लिखा, लगभग लगभग 17 ग्रंथों को लिखा, और वेद का जिसके अंदर इतनी भ्रांतियां थी, दूसरे लोगों को किया हुआ अर्थ था, जिसके अंदर अश्वमेघ यज्ञ के नाम पर घोड़े को काट करके डालते थे, आहुति देते थे, इन्होंने उन वेदों को मंगवाया और मंगवा करके उनके सही अर्थों का चिंतन कर करके लिखा और फिर कहा वेदों की ओर लौटो। ऐसे ही नहीं इनका अर्थ किया, कैसे अर्थ करते थे, जब ये वेद का मंत्रों का अर्थ करते थे, लेखन करने वाले इनके पास में बैठे रहते थे, ये उनका अर्थ लिखवाते थे, कई बार जब कुछ लगता था कि ये बात समझ में नहीं आ रही है, इस मंत्र का अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, तब ये अपने लेखकों को कहते थे अभी ठहरो, और रोक करके अपनी कुटिया में चले जाते थे, कुटिया में बैठ करके ध्यान मगन होकर के सीधा परमात्मा से संपर्क कर करके उस मंत्र का अर्थ अपने हृदय पटल पर लेकर के अंकित कर करके बाहर आकर के तब कहते थे अब लिखो। परमात्मा से जोड़ कर करके समाधि के द्वारा उन मंत्रों को ऋषि ध्यान जी महाराज ने खोला। लेकिन समय बड़ा बलवान होता है, जैसा हमने कहा कि अपनी उन्नति के साथ दूसरों की उन्नति भी हम करें उसमें हानि भी उठानी पड़ती है। तब ऋषि ध्यान जी महाराज को पता लगा कि राजस्थान का इलाका जोधपुर आदि का जहां पर बड़ा गड़बड़ है, राजा लोग क्षत्रिय लोग जो रक्षा करने वाले हैं, दूसरों के उपकार भलाई करने वाले हैं, वहीं गड़बड़ है। तब इन्होंने वहां जाने का मन बनाया, लोगों ने भक्तों ने बहुत कहा महाराज वो इलाका अच्छा नहीं है, हानि हो सकती है, कोई ना कोई घटना घट सकती है, आप वहां मत जाइएगा। ऋषि ध्यान जी महाराज बोले अरे पगले, जहां मरीज है तो डॉक्टर को तो वहीं जाना चाहिए, स्वस्थ लोगों के बीच में जाना डॉक्टर का क्या कुछ कर्तव्य है, नहीं वहां के लोग बीमार हैं। और तब ऋषि ध्यान जी महाराज वहां गए, जाकर के देखा राजा लोग खान पीन में नाच गाने में मस्त थे, प्रजा की कोई सुध लेने वाला नहीं था, जनता त्राई त्राई कर रही थी, इन वेश्या गमन आदि इन सब नाच गानों में राजा लोग लगे हुए थे। तब सन्यासी लोग कड़वा ही कहने वाले होते हैं, ये तो नीम के पेड़ की तरह होते हैं, जैसे नीम कड़वा होता है लेकिन औषधि रूप होता है, निरोग व्यक्ति को बना देता है,
ऐसे ही ऋषि ध्यान जी महाराज ने जब देखा, जैसे ही ये दरबार में पहुंचे तब राजा और वैश्या नाचने वाली महिला की पालकी को कंधा देने के लिए कि ऋषि आने ही वाले हैं, इसलिए इसे विदा करो यहां से। तब ऋषि ध्यान जी महाराज ने वो दृश्य देखा और दृश्य देख कर कितना मन खिन्न हुआ। बोले राजा लोगों को तुम्हें शोभा नहीं देता, इस तरह यदि तुम करोगे तो जनता क्या करेगी। और थोड़ा सा कटु इन्होंने बोल दिया कि ये राजन ये तुम्हें शोभा नहीं देता। यह बात कड़वी जब कही, वो नन्नी जान थी जो पालकी में थी, उसे ये बात कड़वी बात बड़ी चुभ गई। और तब उसने ऋषि ध्यान जी महाराज के रसोइयों को ही खरीद लिया। कहा तुम्हें मैं इतना पैसा देंगे, तुम इस ऋषि को इसके दो में कुछ ऐसा संख्या आदि मिला दो, कंच मिला दो, इन्होंने हमें ऐसी कड़वी बात कही है। और तब रसोइये जगन्नाथ ने कुछ धन के लालच में आकर के ऋषि ध्यान जी महाराज के दूध में संख्या मिला दिया, जिसे पी करके वो रोगी हो गए। इसलिए अपने भोजन जहां भोजन करते हैं वहां से भी सावधान रहना चाहिए कि कैसा भोजन कौन करा रहा है, क्या स्थिति है। ऋषि ध्यान जी महाराज के जीवन से हम ये सीख ले सकते हैं कि रसोइया तो एक बड़ा विश्वास पात्र व्यक्ति होता है कि भोजन बना रहा है, इसलिए कहीं ऐसे वैसे ही भंडारों आदि का भोजन मत किया कीजिएगा। पता नहीं किस व्यक्ति ने बनाया है, कैसा बनाया है, आपके जीवन को खतरा ना हो जाए, कैसा पाप का भोजन है, इसलिए भोजन की परख कर करके ही भोजन करना चाहिए। ऋषि ध्यान जी महाराज अस्वस्थ हो गए, उन्हें तुरंत मालूम हो गया कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। तब उन्होंने अपने रसोइये जगन्नाथ को बुलाया और जगन्नाथ को बुला करके बोले तुमने बड़ा पाप कर दिया जगन्नाथ, मेरा तो वेदों का जो अर्थ है अभी अधूरा ही रह गया, तुमने पाप किया। और सुनो जगन्नाथ, ये लो 500 रुपए। तब 500 रुपए दिए और 500 रुपए देकर के कहा था तुम आओ, यदि मेरे भक्तों को पता चल गया कि तुमने ऐसा पाप किया तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। इतिहास के अंदर ये पहला उदाहरण है कि जब अपने प्राण लेने वाले व्यक्ति को भी क्षमा दान ऋषि ध्यान जी महाराज ने मिला, नहीं मिलता ऐसा कोई उदाहरण। व्यक्ति के साथ में कोई ऐसा करे तो सुसाइड नोट लिख करके जाता है, उन व्यक्तियों के कारण मैं इस स्थिति में पहुंचा हूं, इसलिए उन्हें सजा देना। लेकिन ऋषि ध्यान जी महाराज कहते हैं जगन्नाथ चला जाए यहां से वरना तुझे छोड़ेंगे नहीं। अपने प्राण लेने वाले को भी मुक्त करा गया ऋषि ध्यान जी महाराज। इलाज बहुत हुए, कोशिशें बहुत हुई, लेकिन कुछ इन कोशिश करने वालों ने भी, एक समाज के लोग वो गलत इंजेक्शन आदि लगाते रहे, आबू भी ले जाया गया ऋषि को, लेकिन ऋषि की स्थिति बिगड़ती ही चली गई। और जब ऋषि ध्यान जी महाराज को लगा कि अब समय आ गया, तब उन्होंने अपने सेवकों को बुलवाया, आत्मानंद को बुलवाया और बुला करके बोलते हैं क्या चाहते हो, क्यों परेशान हो। तब आत्मानंद आदि उनके सेवक बोले महाराज चाहते क्या हैं, बस यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाए, आप स्वस्थ निरोग हो जाएं। तब ऋषि ध्यान जी बोले अरे बेटा, ये पंच भौतिक शरीर है, इसका बनना क्या, बिगड़ना क्या, क्या ठीक होना है बेटा। और तब उन्होंने दो दुसाले मंगवाए, 200 रुपए मंगवाए अपने सेवकों को, दोनों को एक एक दुसाला 100-100 रुपए भेंट कर करके कहा आनंद में रहना, खुश रहना। और उसके बाद इतिहासकार लिखता ऋषि ध्यान जी महाराज ने ईश्वरी चौथी उपासना के मंत्रों को बोलना शुरू किया। आसपास भक्त लोग जो बैठे थे वो देख करके अनुभव कर रहे थे कि जैसे व्यक्ति जब अंतिम समय व्यक्ति का आता तो भ्रमित हो जाता है, कभी कहता है बेटी को बुलाओ, बेटे को बुलाओ, उससे देखने का मन है, उससे मिलने का मन है, मोह में फंस जाता। लेकिन ऋषि ध्यान जी महाराज परमात्मा के ईश्वर स्तुति उपासना आदि मंत्रों का पाठ कर रहे हैं और कहते हैं हे प्रभु तूने अच्छी लीला की, तेरी लीला पूरी हो प्रभु। और इतिहासकार लिखता फिर लेटे एक करवट ली और एक लंबी सांस खींची
और वो पंछी पिंजरा तोड़ करके संसार से विदा हो गया। संसार का उपकार करते करते ऋषि जैन जी महाराज ने अपना जीवन पूरा कर लिया। इसलिए वो आदरणीय भद्रपुरुषों मातृशक्ति, इससे भी हम प्रेरणा ले सकते हैं कि उपकार भी करें तो सावधानी के साथ में, सेवा भी करें तो सावधानी के साथ में, दान भी करें तो सावधानी के साथ में, संध्या भी करें तो सावधानी के साथ में किया करो। कब जीवन में कुछ घटना घट जावे, मैंने देखा है कि हमारे प्रचारक थे बंबई से, वो आ रहे थे, शाम का समय था, ट्रेन को अहमदाबाद में रुकना था। जब ट्रेन अहमदाबाद में रुकी, उन्होंने देखा कि संध्या का समय है, क्यों ना स्टेशन पे संध्या कर ले। लेकिन उन्हें आभास हो गया कि कोई चोर जेब कतरा उनके ताक में है। बोले ये आर्य समाजी है, संध्या करेंगे तो संध्या करेंगे तो फिर कुछ न कुछ माल साफ कर देंगे। अब वह हमारे आर्य जगत के वैदिक उपदेशक थे, उन्होंने समझ लिया कि साथ में कोई लगा हुआ है पीछे। वो अहमदाबाद ट्रेन रुकी, अपना सारा सामान उठाया, स्टेशन के प्लेटफार्म पर चद्दर आसन बिछाया और सारा सामान अपने आगे रख करके और आंख खोल करके बैठ गए और सारे संध्या के मंत्रों को बोला। संध्या आदि कर करके अपना सामान उठाया और फिर ट्रेन में बैठ गए। वो जो पीछे लगा हुआ व्यक्ति था, उसने कहा महाराज आप आर्य समाजी हो? बोले हाँ। वो संशय है तुम्हें? बोले नहीं संशय तो नहीं है, लेकिन ये कौन सा तरीका है, तुम आंख खोल करके संध्या कर रहे हो, लोग तो आंख बंद कर करके संध्या करते हैं। बोले रे पगले, जब तेरा जैसा दुष्ट पीछा कर रहा हो तब आंख बंद करने की जरूरत कहां है, तब आंख खोल करके संध्या करनी चाहिए। आंख बंद कर दे तो छोड़ देता मेरा सामान, ये पता लगता कि सावधान होकर के कर्म करो, मदद करो किसी की सावधान होकर के। आज बड़ा गड़बड़ हो गया माहौल महाराज। आज हम देखते हैं बहुत सारे क्षेत्रों के अंदर, और आचार्य जी इतना पैसा था हमने दिया और लेकर के चले गए, जब मांगने आए थे तब चेहरा कुछ और था, जब देने की बात आए तब चेहरा कुछ और था। आपकी मेहनत की कमाई को लूट लिया जाता, इसलिए हर क्षेत्र में सावधानी बरतो। ये योग इसी बात का संकेत है, योग से अभिप्राय है, जिस कार्य में भी करो उसे योग्यता के साथ में करो, जाने अनजाने में नहीं, भूल चूक में नहीं, मोह में फंस करके नहीं, योग के आधार पर योग्यता के साथ में उस कार्य को करो। लेकिन करो अवश्य, अपनी ही उन्नति में संतुष्ट मत रहो, सारे संसार की उन्नति में अपनी उन्नति समझो। यही धर्म का मार्ग है, यही आर्य समाज का नियम है, यही ऋषियों की वाणी है। इसलिए अपने जीवन को पवित्र बनाए, बेहतर बनाए, अपना जीवन बेहतर बना करके फिर दूसरों की भी सहायता करें, उनकी भी मदद करें। इसलिए तो कहा है हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। पहले खुद काबिल बनो, योग्य बनो, संपन्न बनो, फिर सामर्थ्य अनुसार दूसरों की भी सहायता करो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी महानुभाव का हृदय से आभार अभिनंदन, वाणी को विराम। ओम शम ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति राप शांति रोषदय शांति वनस्वतय शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांति रेव शांति शाम शांति रेदि ओ शांति शांति ओम। जो बोले सो अभय। महर्षि दयानंद की, स्वामी विरजानंद की, स्वामी शरदानंद की, पंडित लेखराम की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, योगी राज श्री कृष्णचंद महाराज की, देश के शहीदों की, भारत माता की, गौ माता का, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की वैदिक ध्वनि।
वैदिक अभिवादन, सभी को सादर।